The next topic is looking after elderly people. It means कि जो लोग बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, जो लोग वीक हो जाते हैं, तो हम उनकी देखभाल कैसे करते हैं. See, our elders become slow and physically weak with age. It means कि जो हमारे बड़े हैं वो क्या होते हैं, वो जब एक एज पे आते हैं ना, जब उनकी एज बढ़ने लगती है तो क्या होता है, फिर वो धीरे धीरे स्लो हो जाते हैं और वो फिजिकली वीक भी हो जाते हैं, वो कमज़ोर भी हो जाते हैं और वो हर काम थोड़ा सा धीरे करते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं. उनको फिर ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उनकी हेल्प करें, उनकी मदद करें या उनकी देखभाल करें. ओके, एल्डरली पीपल हैव पुअर विजन एंड आर नॉट एबल टू हियर प्रॉपरली. इट मीन्स कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, क्या होते हैं कि उनकी जो देखने की पावर होती है, जो आई पावर होती है, क्या होती है, वो कमज़ोर हो जाती है धीरे धीरे, और वो सही से क्या करते हैं, सुन भी नहीं पाते हैं कोई चीज़ों को. दे नीड आवर लव, सपोर्ट, केयर एंड अफेक्शन. इट मीन्स कि अब उनको क्या ज़रूरत होती है, उनको ओल्ड एज में क्या ज़रूरत होती है, उनको हमारे प्यार की ज़रूरत होती है, उनको हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है. वो चाहते हैं कि हम उनकी केयर करें एंड अफेक्शन. अफेक्शन मीन्स फीलिंग्स ऑफ लाइकिंग और लव. मीन्स अफेक्शन मतलब वो चाहते हैं कि हम उन्हें प्यार करें, उनकी बातों को समझें, वो क्या चाहते हैं वो चीज़ हम लोग समझें. सी, सो इन दिस पॉइंट, इन दिस टॉपिक, द मेन थिंग इज़ दैट कि जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, जो फिज़िकली वीक हो जाते हैं, जिनका आई प्रॉपर काम नहीं करता है, वो अच्छे से सुन भी नहीं पाते हैं, तो उनको क्या चाहिए होता है, उनको ये चाहिए होता है कि हम उनकी देखभाल करें, उनसे प्यार करें, उनसे बातें शेयर करें, उनकी केयर करें. तो ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होता है. तो वही हमको देखना है कि हम क्या उनके लिए कर सकते हैं. सी द फर्स्ट पॉइंट, वी शुड ऑलवेज लव एंड रिस्पेक्ट एल्डरली पीपल. इट मीन्स कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का, या जो हमारे घर पर हमारे बड़े लोग हैं, जैसे दादा दादी हैं या नाना नानी हैं, तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनकी क्या करें, केयर करें, हम उसकी रिस्पेक्ट करें, उनसे हम प्यार करें. वो हमसे बस इतना ही चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करें, हम उनकी रिस्पेक्ट करें. तो हम इतना तो उनके लिए कर ही सकते हैं. यस और नो? यस. नाउ सी दी सेकंड पॉइंट, वी शुड ऑलवेज हेल्प देम. इट मीन्स कि हमें उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए. हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, वो अगर हमसे कोई बात कह रहे हैं, हम उनको सुन सकते हैं, या हम उनको एक गिलास पानी ला के दे सकते हैं, या दादाजी के हम चश्मे ला के दे सकते हैं, या दादी जी कुछ मांग रही तो हम वो ला के दे सकते हैं. तो हम ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से उनकी हेल्प कर सकते हैं. वो हमसे और कुछ नहीं चाहते हैं, हम उनकी केयर, उनकी बातों को मानकर कर सकते हैं. मीन्स वी शुड ऑलवेज हेल्प देम, हमें उनकी मदद हमेशा करनी चाहिए. ओके, नाउ वी शुड स्पेंड सम टाइम विथ देम. इट मीन्स कि हम उनके साथ अपना कुछ वक्त भी बिता सकते हैं. सी, आपकी लाइफ में क्या है ना कि लोग बहुत बिजी हो गए हैं, तो उनको अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ा सा भी वक्त नहीं मिलता है कि वो अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दें. तो वो क्या चाहते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो एल्डरली पीपल हैं, वो बस यही चाहते हैं कि उनसे लोग आके बात करें, उनके बारे में पूछें, उनकी केयर करें. तो हमें यही करना है कि हमें अपना टाइम कुछ अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देना है, जिससे कि वो बोर ना हो और वो हमारे साथ हैप्पी रहे, उनका भी मन लगा रहे. तो हमें कुछ टाइम उन्हें भी दें. हम कुछ टाइम कैसे दे सकते हैं, क्या अगर कोई स्कूल से होमवर्क मिला है तो हम वो दादाजी के पास जाके लेके बैठ सकते हैं. हम दादाजी से जो स्कूल से होमवर्क मिला है उनकी हेल्प से वो कर सकते हैं, और भी हम उनके साथ बैठ के बुक रीडिंग कर सकते हैं या उनसे हम स्टोरी सुन सकते हैं. तो ऐसे क्या होता है, ऐसे दादाजी का भी मन लगा रहेगा और हमें भी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगा. वी शुड स्पेंड टाइम विद देम एंड मेक देम फील हैप्पी.